देखिए, यदि आपने YouTube पर एक वीडियो अपलोड करी, 5-7 दिन उस पर व्यूज आने लग गए और फिर अचानक से व्यूज या तो डाउन हो गए या तो रुक गए, अब व्यूज नहीं आ रहे, या फिर आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई वीडियो आपने 6 महीना पहले भाई साहब अपलोड करी, उस पर अच्छे व्यूज आए, वो वायरल ही हो गई, लेकिन 6 महीने बाद अचानक उस पर अब 0 व्यूज आ रहा है, फिर 1-2 व्यूज ही आ रहा है। अब ऐसी वीडियो पर दोबारा से व्यूज कैसे लाते हैं, उसका सारा का सारा सिस्टम मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि क्रिएटर गाइड पे ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहती है। तो देखिए भाई, यूट्यूब पे मैं पिछले 7 साल से काम कर रहा हूं और मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है और मैंने काफी सारे कुछ एक्सपेरिमेंट करे जिनसे मुझे बेनिफिट हुआ है, वो एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मान लीजिए आपकी कोई वीडियो है, और पहले बात करते कुछ दिन की फिर बाद में बात करते, मान लीजिए आपकी कोई वीडियो है, आपने डाली, 3-4 दिन उस पर व्यूज आया और 3-4 दिन के बाद अब उस पर व्यूज नहीं आ रहा है। तो इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो ये वजह हो सकती है कि वो जो वीडियो है उसका जो टाइम था वो 2-3 दिन का ही था, अब उस टॉपिक का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या होता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर हमने वीडियो बना दिया, 3-4-5-7 दिन वो चला, उसके बाद उसका मतलब खत्म हो गया। तो होता क्या है कि जब ट्रेंड चलता है तो बहुत सारे लोगों के वीडियो पर व्यूज आते हैं और ट्रेंड खत्म हो जाता है, तो जो बेचारे मतलब स्मॉल क्रिएटर होते हैं जिनके पास खुद की ऑडियंस नहीं है, उनकी पर व्यूज आना पहले बंद होते हैं, और जो बिग क्रिएटर्स होते हैं जिनके पास ऑडियंस होती है उनके पे भी थोड़े दिन बाद वो व्यूज आना बंद हो जाते हैं। एक तो वजह यह हो सकती है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि वो जो वीडियो है वो आपकी जो भी ऑडियंस है, मान लो आपके 1000 सब्सक्राइबर है, 2000 है, 4000 है, 500 है, उनको रिकमेंड करी यूट्यूब ने नोटिफिकेशन के जरिए, ब्राउज फीचर के जरिए, होम फीड के जरिए, उनमें से बहुत कम लोगों ने ही दिलचस्पी दिखाई आपकी उस वीडियो में, ना थंबनेल पे ज्यादा क्लिक्स आए, ना ऑडियंस अटेंशन आया, और वो वीडियो वहां डाउन पड़ जाएगी, क्योंकि यूट्यूब को लगेगा भाई ये वीडियो तो इसके खुद की ऑडियंस है, जो आगे उसको पुश नहीं करेगा। ये 2 वजह हो सकती है। अब बात करते हैं उसकी कि अगर वीडियो 6 महीने तक चली और उसके बाद मान लो व्यूज नहीं आए, तो देखिए मान लो कोई वीडियो आपने बनाई और वो 6 महीने तक अच्छी खासी चली, उस पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे, अचानक उस पर व्यूज नहीं आ रहे, उसकी पहली वजह तो यही हो सकती है कि भाई अब हो सकता है उस टॉपिक की कोई मतलब नहीं रहा। मान लो सपोज आपने कोई ऐसा वीडियो बनाया कि 6 महीने बाद अब उस वीडियो का टॉपिक ही खत्म हो गया, वो एवरग्रीन टॉपिक नहीं है, तो व्यूज उस पर डाउन हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए वो जो वीडियो थी वो चल कहां से रही थी, उस पर व्यूज कहां से आ रहा था, मान लो ब्राउज फीचर से व्यूज आ रहा था, तो बहुत धीरे 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 करके वो व्यूज कम होगा, अचानक से डाउन नहीं होगा। अगर लेकिन वो सर्च में चल रही थी, मान लो कोई सर्च कर रहा था और वहां से वो वीडियो चल रही थी, तो भाई सर्च में अब वो रैंक कर रही थी, मान लो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे या 5 नंबर तक रैंक कर रही थी, तो उस पर व्यूज आ रहा था, लेकिन उसी टॉपिक पर अब बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स ने वीडियो बना दी या कुछ और वीडियो नई वायरल हो गई, तो हो सकता है आपकी वीडियो अब डाउन हो गई। वो रैंक पे सर्च में तो आ रही है लेकिन 1-2 कीवर्ड पे सर्च कर रही है 15-16 नंबर पे, तो उस पर फिर अचानक से व्यूज आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सर्च से ही आ रहा था, अब वो सर्च रैंकिंग से हट गई तो उस पर व्यूज नहीं आएगा, बिल्कुल से बिल्कुल डाउन हो जाएगा। अब दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आपका चाहे नया चैनल हो चाहे पुराना हो, कैसे भी कंडीशन हो, करना क्या चाहिए, रिवाइव कैसे करेंगे इसको, तो देखिए सबसे पहले तो जो मैं करता हूं, सबसे पहले आपको अपना एनालिटिक चेक करना चाहिए कि भाई इस वीडियो पे एक्चुअल में व्यूज आया कहां से रहा है, व्यूज कहां से आ रहा है। अगर आपको लगता है कि व्यूज सर्च से आ रहा है तो आप समझ जाइए कि सर्च में ये वीडियो मेरी डाउन हो गई है। तो फिर आपको क्या करना है, वो जो टॉपिक है आपका उसको सर्च करना है यूट्यूब पे और देखना है कि भाई मेरी तो डाउन हो गई, मान लो मेरी तो 15 नंबर पे आ रही है, बाकी किस किस की आ रही है, तो बाकी आप देखेंगे कि यार बाकी 1 से लेके 5 नंबर तक ही देखिए, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, तो आप देखिए कि भाई ये आ रही है, सिस्टम सीधा सा है। उसके बाद मान लो ब्राउज फीचर से या रिकमेंड से वीडियो आ रही है, तो उसमें आपको पता लगेगा बहुत धीरे 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 डाउन होगी, वो तभी डाउन होगी जब आपका वो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, एवरग्रीन टॉपिक नहीं रहेगा। तो बात हम सर्च की कर लेते हैं। अब इस केस में सबसे पहले आपने एनालिटिक चेक कर लिया, अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि मैं अब क्या कर सकता हूं इस वीडियो के अंदर। तो आपको अब क्या करना है, अपना एवरेज व्यू ड्यूरेशन चेक करना है। आपको लगता है कि आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी काफी सही है, फिर CTR चेक करना है। तो CTR में क्या होता है, अप डाउन दिखा देगा वो कि हाँ भाई अप था पहले, फिर डाउन हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर डाउन हुआ। अगर आपको एनालिटिक में पता चल जाता है कि आपका CTR पहले अप था फिर डाउन होता होता बिल्कुल डाउन चला गया है, तो तुरंत अपने थंबनेल को चेंज कर लें। थंबनेल को चेंज कैसे करना है कि आप देखें कि फिलहाल जो सर्च में आ रही है 5 वीडियो उनके थंबनेल कैसे, उनसे थोड़ा बेहतर थंबनेल आप बना के उस पर डाल दें, पहला आपको ये करना है। उसके बाद आपको अगर मान लो देखो CTR बढ़ाना है तो थंबनेल से काम नहीं चलेगा, टाइटल भी बदल दें। थंबनेल और टाइटल दोनों आप बदल देंगे, बदलने के बाद आप थोड़ा 1-2 दिन देखें उसको कि CTR अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि CTR थोड़ा अप होने लगा है तो आप समझ जाइए थंबनेल तो ठीक काम कर रहा है, अब आप क्या थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर दे उसका,
थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चेंज कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो है वीडियो ऑटोमेटिक फिर चलने लग जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप कंफ्यूज हो गए, आपको एनालिटिक्स समझ में नहीं आया और आपको लगा यार मेरी वीडियो तो अच्छी है, आज भी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो देखा जा रहा है, ये मेरा एक एवरग्रीन टॉपिक है, अब मैं क्या करूं, इस वीडियो पे मेरे को व्यूज तो चाहिए, तुरंत मेरे को इसको आगे बढ़ाना है, मैंने टाइटल थंबनेल सब बदल लिया लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो उसमें क्या आप दो काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और चैनल है, मान लो कोई दूसरा चैनल है आपका, या कोई इंस्टाग्राम पेज है, कोई बढ़िया पेज है, तो आप वहां पे अगर दूसरा चैनल है तो वहां कम्युनिटी पोस्ट कर दे। दूसरे चैनल पे आप कम्युनिटी पोस्ट करेंगे तो मैंने आपको एक बार बताया भी था कि खुद की वीडियो को अपन कम्युनिटी में शेयर करते तो थोड़ा सा रीच कम आती है और दूसरे की वीडियो करते तो रीच ज्यादा आती है। तो दूसरे चैनल पे आप कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, अगर मान लो आपका दूसरा चैनल नहीं है, आपके पास खुद का ही चैनल है, तो क्या करें, वो जो थंबनेल है ना, उस थंबनेल को आप थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन कर ले, जैसे कम्युनिटी पोस्ट का डिजाइन होता है उस वाले स्ट्रक्चर में डिजाइन करके, और उसको पोस्ट कर दे अपने ही चैनल पे और ऊपर बस लिंक लगा दे वीडियो का, तो उससे क्या है थोड़ा सा इनिशियली बूस्ट आपको मिल जाएगा अगर उस टॉपिक की आज भी डिमांड होगी तो। बाद में आपने टाइटल थंबनेल तो बदल ही दिया तो धीरे धीरे वो फिर से सर्च में आने लग जाएगी और उस पर व्यूज आना लग जाएगा। अब नए चैनल की बात कर ले तो नए चैनल पे भी आपको ये सब करना चाहिए। अगर मान लो 3 दिन में वीडियो आपकी डाउन हो जाती है और आपको लगता है कि मेरी वीडियो का टॉपिक अभी भी देखा जाना चाहिए, तो आप टाइटल थंबनेल डिस्क्रिप्शन में ये सब खेल सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो 100% आपकी वीडियो वापस से चलने लग जाएगी। मैंने इसके अलावा एक और भी तरीका यूज करा है एक बार अपने चैनल पर, वो भी मेरा कारगर रहा। एक बार क्या हुआ, मेरी एक वीडियो थी, उस पर अच्छे खासे व्यूज आए, करीब 60-70 हज़ार के आसपास व्यूज आ गए, और फिर वो डाउन पड़ गई, वो उस पर व्यूज आना बंद हो गए क्योंकि वो सर्च में चल रही थी। मैंने थंबनेल टाइटल डिस्क्रिप्शन सब बदल दिया फिर भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, फिर उस पर गूगल एड लगा दिया उसी वीडियो पर, कितने रुपए का, 500 रुपए का मैंने गूगल एड लगाया, तो उस पर क्या हुआ कि 2,500 व्यूज आ गए 500 रुपए में, और फिर वो वीडियो पे जो गूगल एड था वो तो खत्म हो गया क्योंकि 500 रुपए लगाए थे, वो वीडियो फिर चलने लग गई अचानक, और बाद में वो वीडियो मिलियन तक गई। तो ऐसा भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई ऐसा एडवर्ड लगाओ, पर मैंने जो जो एक्सपीरियंस किया है वो सब आपके सामने शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक करें, इसी तरह की वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलता है वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।